बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 27 फरवरी के लिहाज से पाकिस्तानी इसको मनाते हैं एज अ सरप्राइज डे पिछले दो सालों से। अब पाकिस्तानी हकूमत और रियासती इदारों में ये तजवीज़ दी गई है कि ऑफिशियली हम सरप्राइज डे नाम रख दें 27 फरवरी का, और तारीख के अंदर जब भी कभी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आए, 27 फरवरी का दिन आए, तो उसको सिर्फ हम बुलाया करें सरप्राइज डे। यानी आम रूटीन में भी ऐसी बात हो जिस सरप्राइज डे आ रहा है उस वक्त कोई तकरीबात होने जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, 6 सितंबर को करते हैं, इसी तरह 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाए। अब ये तजवीज़ दी गई है, अगर तो ये सरप्राइज डे हो जाता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल मामला इस तरह हो सकते हैं कि पाकिस्तानी जितने हमारे बच्चे हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाहे छोटी क्लासों से लेकर बड़े लेवल तक, हम हर जगह पर एक अपनी किताब में चैप्टर जरूर रखें 27 फरवरी का। इससे होगा यूं कि पाकिस्तान के जितने भी बच्चे जिन्होंने यंग जनरेशन आगे जाना है उनके अंदर ये जज्बा होगा कि हमें पायलट बनना है, हमें ये करना, तारीख इनको याद रखेगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो तजवीज़ दी गई है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पूरी होगी और ये सारी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त एयर चीफ ने आज इंडिया को धमकी दी बड़ी ज़बरदस्त। इंडिया को कहा कि हमारे तैयारे तैयार खड़े हैं, आपने दोबारा किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट करेंगे 27 फरवरी वाला, यानी घुसेंगे इंडिया के अंदर, मारेंगे और इस दफ़ा मारकर बुरी तरह आएंगे। हमारे तैयारे आप ही के लिए तैयार इस वक्त खड़े हुए हैं और हमारे तमाम पायलट्स तैयार हैं। जिस तरह जलाल आसिफ गफूर ने कहा था कि नुमान और हसन बैठे ही आपके इस कामों के लिए हुए हैं, इसी तरह हमारे जितने भी नुमान हसन जैसे शहजादे हीरो पायलट्स हैं वो आप ही के लिए तो हमने बिठाए हुए हैं, तो जिस दिन आप आएंगे हम ये काम कर देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त पैदा हुई है, ये असल में राफेल तैयारे आने के बाद हुई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स को, ख़ास तौर पर हमारी अफवाज पाकिस्तान के सिपाही सालार और हमारे अहम तरीन रहनुमाओं की जानिब से ये पैगाम दिया गया, और एयरफोर्स के अंदर से भी ये बात की गई है कि इंशाल्लाह, क्योंकि मारका तो होना है, गजवा हिंद से पहले भी मामला होंगे और गजवा हिंद पर भी होने, तो आपने एक काम ज़रूर करना है कि सबसे पहले आपने राफेल तैयारों को गिराना है। देखिए असल में इंडिया इस वक्त जो प्लान करेगा जब भी हमले के लिए आएगा वो कम से कम 16 से 22 की खेप के साथ आएगा, ये आप जहन में रखिएगा। देखिए 27 फरवरी को जो असल लोग बात नहीं समझते, उससे एक दिन पहले 26 फरवरी को पहला हमला होने जा रहा था लाहौर सियालकोट वाली साइड पर, फिर उसके बाद इन्होंने मुजफ्फराबाद और दूसरी, यानी 2 से 3 जगहों के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रोका, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हर जगह पर जब इनको रोका तो तीसरे से चौथे हमले के लिए आगे आए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी इनकी और इनके तैयारे आ गए और वहाँ से वापस गए, फिर पेलोड फेंक कर भाग गए। देखिए हर वक्त तो आप रूटीन के अंदर जब जंगी तैयारियां हो तो आप ये हर वक्त फिजा में रहते हैं, लेकिन आम रूटीन में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। पाकिस्तान ने 3-4 दफ़ा इनको रोकने की कोशिश की और आखिरी मरतबा ये थोड़ा अंदर आए, पेलोड फेंककर भागे। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, हमेशा से मामला ऐसे नहीं हुआ करते। अब इस सूरत हाल के अंदर इस दफ़ा भी इन्होंने आना, जो कम अज़ कम 16 से 22 अपने पूरे तैयारों की खेप के साथ ही आएंगे, क्योंकि इनकी कोशिश होगी कि अगर हमारे एक दो गिर जाते हैं तैयारे तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पर मार कर आए, क्योंकि इतनी बेइज्जती हुई कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर उठकर ये बात कहता है कि आपने हमें जलील करवाया है पाकिस्तान के आगे। वो हमें कहते हैं कि एविडेंस लेकर आओ, आप हमें कम से कम कुछ तस्वीर को वीडियो कुछ तो दे दें कि बालाकोट में कुछ किया है, हम इनको दें तो सही जाकर। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। असल में अरविंद केजरीवाल है मोदी के खिलाफ, वो डायरेक्टली नहीं ये कह सकता था कि तुमने कुछ किया नहीं, वो कहता कुछ एविडेंस दो, इसी तरह राहुल गांधी ने किया। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स को पैगाम ये दिया गया है कि आपने सबसे पहले गिराना है तो राफेल तैयारे गिराने हैं। इसी तरह आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो जापान का एक यूमाटो नामी शिप था जो दूसरी जंगे अजीम में अमेरिका ने 22 तैयारों से गिरा दिया। जापानी उस पर इतना फख्र करते थे कि उनको अंदाज़ा था कि ये हमें लड़ाकू जो हमारा शिप है, जिस तरह आज यूएस का निमिट्स है या दूसरे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो तकरीबन 12-13 अरब डॉलर्स के बनते हैं, इसी तरह इनका तकबर था। आज अमरीका का तकबर है कि हमारे 100 तैयारे आते हैं, कोई गिरा कर तो दिखाए, तबाह तो करके दिखाए।
जब इनका वो शिप गिराया गया, जापान का मोराल गिर गया। इसी तरह वसीम अकरम कहा करते थे, जब हम इंडिया में मैच खेलने जाते थे तो हम पर इतनी हूटिंग होती थी, गालियाँ ये वो, तो मैं वकार यूनुस को एक बात कहता था कि सबसे पहले हमें सचिन तेंदुलकर को आउट करना है, सौरव को आउट करना है, इनके ओपनर्स आउट कर दें, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा, कोई हम पर हूटिंग नहीं करेगा। यही वो उनका काम था। कि कहते हैं हमने सबसे पहले ये काम किया तो हम उनके ओपनर्स को आउट करते थे। खास तौर पर सचिन टारगेट होता था हमारा कि इसको किसी तरह हम आउट कर दें, अगर ये आउट हो गया तो पूरा क्राउड, उनका मोराल गिर जाएगा, उनकी टीम का भी। कई मैच हमने इसी तरह देखे। और इसी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि बिपिन रावत ने कहा अपने स्टाफ को कि मुझे DGISPR जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी है। इन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कश्मीर के अंदर। ये कश्मीर के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। इनको अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का टारगेट ही होगा। फौज ने, इंटेलिजेंस इदारों ने एयरफोर्स को 24 घंटे के अंदर लेटेस्ट रियल टाइम के अंदर इंटेलिजेंस मालूम दी कि बिपिन रावत यहाँ पर बैठा है, जहाँ पर बैठ कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और हंस रहा था कि देखो ये कर लिया वो कर लिया। हालांकि इनको पता था, तैयारी घुसाए थे, किया कुछ नहीं था, लेकिन खुश था कि चलो इतना तो कर लिया। और उसके बाद जब पाकिस्तान अगले दिन उन पर हमला करने जा रहा था, हम वहाँ पर पहुँचे, हॉटलाइन पर कहा इनको बचा ले नहीं तो मार देंगे। इतना मेंटली तौर पर वो शख्स पूरी तरह शॉक में चला गया कि कई दिन तक मीडिया में नहीं आया। यही वो वजह थी, असल में मोदी ने उसी रात फैसला किया था कि हम पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देंगे। अभिनंदन भी पकड़ा गया, वो समझ नहीं आ रही थी, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को अगर आर्मी चीफ की इंफॉर्मेशन का पता है तो मेरी इंफॉर्मेशन का भी पता होगा, लिहाजा मुझ पर भी हमले हो सकते हैं। ये मामला थे। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल ये है कि हमारे F-16 की ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका जब गए तो वापसी पर तैयारे उड़ाकर खुद लेकर आए। इंडिया की तरह नहीं था, राफेल लेने गए, उसके बाद ट्रेनिंग ली और साथ में उनके राफेल इनको छोड़ने के लिए भी आए। असल में पाकिस्तान ने राफेल को गिराना है, ये सबसे ज़्यादा है। आप इनके तेजस को देख लें, हंगामी हालात के अंदर उसमें एक मसला आता था कि पायलट पहले तो सबसे पहले अपना हेलमेट ही उतार पाता था, और अगर उतारता था वो इतनी ज़ोर से उतरता था कि कॉकपिट का जो शीशा है वहाँ पर जाकर टकराता था। इस तरह के फॉल्ट्स इनमें नज़र आए। अब सूरत हाल ये है कि एयरफोर्स को कहा गया है, आज देख ले DGISPR ने भी कहा है कि आपने कुछ करने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे इंडिया को, यानी बुरी तरह पीस डालेंगे। इसी तरह फौज, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस इदारों, काम ये है कि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन वो देंगे और उसके बाद आपने अमल ये करना है कि हमें आपने राफेल तैयारी गिराकर देने, और सेकंड नंबर पर रूसी तैयारे जब आप गिराएंगे रूस के इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, और नंबर वन आपने राफेल तैयारे गिरा दिए, इनका मोराल वही वसीम अकरम वाली बात आ जाएगी, इनका मोराल इतना गिर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते इनके साथ होगा क्या। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने आपको अरूज देना है। इनका क्या मांगे तांगे की सवारी, अपने तेजस खरीदने को तैयार नहीं, और मांगे तांगे की सवारियाँ, कभी वो कभी ये राफेल, अपने दम के ऊपर जो तैयारे बनाकर आपको मारे, बात तो वही है। सोच लें कि जब आपके राफेल तैयारे गिर रहे होंगे और पाकिस्तान के F-17 थंडर की मार्केट और शेयर्स 200 गुना बढ़ रहे होंगे, नज़ारा ही कुछ और होगा देखने वाला। फिर आप क्या कहेंगे, अभी तो मोदी आकर ये कहता रहा कि जी देखो राफेल तैयारे होते तो वो फैसला ही ज़बरदस्त होता, हम इनको जवाब ज़बरदस्त देते, क्योंकि राफेल में मुकेश अंबानी ने खरीदने थे, लिहाजा इस सूरत हाल में वो चाह रहा था कौम को पागल भी बनाए। आप राफेल ले आए और कुछ भी ले आए, आज DGISPR ने जो बात की है वो बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने कहा कि आप समझते हैं नंबर ज़्यादा है, आपको बर्तरी ज़्यादा है, आप तकरीबन 1.5 अरब की आबादी हैं, हम 22 करोड़ की आबादी हैं, 7 गुना बड़ी फौज आपकी होनी चाहिए थी जो कि आपके पास नहीं है, उस हिसाब से आपके पास हर चीज़ बड़ी। आप ये समझते हैं कि कम अज़ कम आबादी और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा होने से आप जीतेंगे, आपकी गलत फहमी, अगर होता तो फिर 27 फरवरी ना होता, इसीलिए आप समझे कि हम आपको ऐसे ही जवाब देंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।